सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सुनया पोहे न सकै काल, परमेश्वर का नाम सुनन करके काल का भी जोर नहीं चल सकता। एक राजकन्या वड्डी सतवंती का विआह किसी एक माननीय पंडित दे नाल हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन पंडित ने आख्या कि हे प्यारी, मैनू ज्योतिष विद्या बड़ी चंगी आउंदी है, जेकर तुसी मेरे कोलों कुछ पुछना चाहो तो पुछ लवो, मैं दस सकदा हाँ। उसकी गल सुन के उस पतिव्रता स्त्री ने सनिमर हो के बेनती की कि हे स्वामी जी, मेरी तो होर कोई कामना नहीं है, केवल यही इच्छा है कि तुहाडे चरणां दी सेवा विच लगी रहा ते तुहाडे हत्थां विच ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मैं कोई किसी प्रकार का दुख ना देखा। अपनी पत्नी की गल सुन के पति महात्मा ने पत्री ज्योतिष की विद्या अनुसार देख के विचारिया कि मेरी उम्र केवल एक वर्ष की बाकी है। उस समय वह पंडित बहुत विचारवान हो गया। उसका चेहरा उदासीन वाला देख के उसकी स्त्री ने कहा कि हे पति जी, किस करके तुसी चुप चाप बैठे हो ते तुहाडे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है। उसकी गल सुन के पंडित ने आख्या कि हे पदरे, मेरी उम्र केवल एक साल बाकी है, इस करके चिंता विच विचार रहा हाँ कि तेरा की बनेगा। पंडित की गल सुन के उसकी स्त्री ने कहा कि कुछ चिंता ना करो, एक साल तो बतीत होण दिओ, अगे जो ईश्वर नू पावेगा सो देखा जाएगा। उसकी स्त्री ने निता प्रति साध संगत विच जाना आरंभ कर दिता ते सदा ही परमात्मा पास बेनती करया करे कि हे ईश्वर, मेरी भी उम्र मेरे पति नू लग जावे। समा गुजरदा गया, समा पा के ओही वेला पंडित दे कालवास वाला आ गया ते उसदे प्राण सिर दे राही अर्थात सिर पीड़ होण नाल ही अंत हो गए। उसकी स्त्री विचारी पवित्र धर्म वाली सी, उसकी स्त्री ने कोई रोण या हौसला हारन दी कोई बात ना कीती, सगो एक तुक दा पाठ सुनया पोहे ना सकै काल करदी रही ते पक्का निश्चा कर लिया कि ईश्वर जरूर मेरे ते किरपा करेगा। जदों उस पंडित दे प्राण कढ के धर्मराज दे दूत तुरे तां उह हठी स्त्री मगर मगर उहना दे तुर पई। ये वेख के दूता ने उसनू वरजया ते डराया कि मुड़ जा, नहीं तां तैनू भी मार देंगे। पर उह पक्के निश्चे वाली पाठ बराबर करी जांदी सी ते मगर मगर तुरी जांदी सी। महाराज अकाल पुरख जी ने उस ते दया दृष्टि फेरी ते धर्मराज दे दूता नू हुक्म होया कि इस स्त्री दी बेनती मंजूर है, इस दे पति नू जान दिओ। सो परम दूता ने अकाल पुरख दा हुक्म मन के उसनू छड़ दिता ते ओह स्त्री अपने पति नू जवा के घर वापस आ गई। इस तरह उस पंडित दी पत्नी ने अपने पति नू गुरबाणी दी एक तुक पढ़ के ही काल तों मुक्त करवा लिया। जदों श्री बाबा अटल राय जी की मीटी मोहन दे सिर उत्ते रात समय रही तां ओह अगले पलक महाराज जी दे नाल खेडण ना आया तां गुरु जी ने उसनू बुलाउण वास्ते मुंडे भेजे। उन्हां ने आख्या कि महाराज जी, ओह तां रात नू ही सप दे डंगण करके मर गया है। बाबा अटल राय जी ने कहा कि कूड है, मीटी देण दा मारिया बहाना कर रहा है, जाओ उसनू पकड़ के लियाओ। मुंडे बाबा अटल राय जी का हुक्म सुन के मोहन दे कोल गए, पर मोहन जी दे घर रोना पिटना पै रहा सी। सबना ने आख्या मोहन स्वर्गवास हो गया है। मुंडे फेर बाबा अटल राय जी दे पास आके कहण लगे कि महाराज जी, वह तो गुजर गया है। साहिबा ने कहा चंगा,
असी उस पासों मिट्टी लैनी है, छड़नी नहीं। इस पासे इस तरह की वार्ता हो रही सी कि इन्ने नूं मोहन की सीढ़ी लैके उसके माँ प्यो रोंदे पिटदे आ रहे सन। साहबा ने कहा, पुछो कि कौन है। मुंडिया ने तस्दीक करके बेनती की कि महाराज जी मोहन नूं फूकण चले हैं, तो ये सारे साग कबीले उसदे हैं। उस समय साहेब बाबा अटल जी खेड़ विखे मते होए पर अंतरी परमेश्वर की बंदगी विच रते होए श्री जपजी साहब की पौड़ी सुनया दीप लो पाताल दा पाठ करते सन। दा ए शब्द के सुनया पोहे न सकया काल ते खुंडी पकड़ के अपने यार मोहन दे गल विच पा के कहन लगे कि उठ यार साड़ी मीटी दे के जा। सो बाबा अटल जी का मित्र वाहेगुरु वाहेगुरु चितारन करदा करदा उठ खलोता ते बालकां विच खेडन लगा। उसदे माँ बाप प्रसन्न हो गए ते सारे शहर श्री अमृतसर साहब विखे रौला पै गया कि गुरु जी दे साहिबजादे बाबा अटल जी ने मुरदे नूं ज्यौंदा कर दिता है। वाहेगुरु दे नां जपण करके ही काल प्राणी नूं नहीं खा सकता। नानक भगतां सदा विकास। श्री गुरु जी महाराज संसार प्रति उपदेश करते हुए वर्णन करते हैं कि भगतां दे इह लक्षण हुंदे हन कि सदा ही आनंद मगन प्रभु दे पाणे विच रहिंदे हन। श्री गुरु जी दा एक सिख भाई भिखारी बहुत नाम जपया करदा सी ते किसे नगर विच रिहा करदा सी ते ओह पाणे नूं चंगी तरह अपने सिर ते निभाउंदा सी। एक वारी श्री गुरु अर्जन देव जी दे पास किसे सिख ने बेनती कीती कि सच्चे पातशाह जी भाणा मन के खुश रहना किस नूं आखदे हन ते किन्हां ने मन्निया है, सानू भी उन्हां दे दर्शन कराओ। श्री गुरु जी कृपा सागर ने कृपा धार के उस सिख नूं हुक्म कीता कि जे तू अमके मेरे सिख पास चला जावें ओह तेरे ताई इस गल दा उत्तर देवेगा। गुरु जी दे बचन सुन के ओह सिख गुरु जी दा हुक्म मन के उस सिख दे घर आया। अगे ओह गुरु जी दा प्रेमी एक रस मगन संसारी कमां विच खचत एक टाट नूं सियों रहा सी। उस सिख ने भाई भिखारी वल तकिया तां वी भाई भिखारी ने उस वल ध्यान ना दिता ते अपने काम विच लगा रहा। कुछ चिर मगरों देखणा ए सिख ने सामने हो के बड़े क्रोध विच आए होए ने नमस्कार पैरी पैणा करके कहा कि महाराज जी मैं तां तुहाडी बाबत सुणिया सी कि तुसीं परमेश्वर दे भगत सब तरह नाल खुश रहण वाले हो, पर सच सियाणियां ने कहा है देखण सुणन विच बड़ा फर्क हुंदा है। मैं तुहाडे वर्गा खचत होया होर पुरख नहीं वेखदा। हुण मैं तुहाडे पासों पुछदा हाँ कि तुसीं इह टाट जो सियों रहे हो यह बड़ा ही पाटा होया है, किसे काम नहीं आउण वाला, तुसीं होर क्यों नहीं खरीद लैंदे, इन्नी मेहनत क्यों कर रहे हो। भाई भिखारी ने आख्या, भाई सिखा ये भी काम आवेगा तू देखी जा। इउं आ के उस सिख नूं नाल लै के तुर पए ते पहले जा के एक कोठड़ी दा बूहा खोलिया। उस अंदर उस सिख नूं वाड़ के कहा कि देखो इस अंदर कैसे भोजन तैयार हैं, यह जनेतियां वास्ते बनाए गए हैं। फिर अगे जा करके एक होर कोठा दिखाया, उस विच भांत भांत दे कपड़े दिखाए। उस तों मगरों आतिशबाजियां दे कोठे अंदर लै गए, वह भी दिखाए। अंत नूं एक कोठड़ी अंदर सीढ़ी पई हुई सी, उसदे पास कख काने पए होए दिखाए। उस सीढ़ी वल वेख के उह सिख बड़ा हैरान जिहा हो गया ते पुछण लगा कि महाराज जी इह की होया। तां प्रेमी जन ने कहा कि इह भी भाणा मनणा ते आनंद रहना है। तां महात्मा पुरख ने कहा कि इह जिहड़ा मेरा पुत्तर जवान मेरियां अखां दा तारा सामने बैठा है, कल नूं इसदा विआह होवेगा, यह आतिशबाजी चलाई जाएगी ते यह भोजन जनेतियां नूं छकाए जाणगे, इस तों उपरंत यह लड़का मर जाएगा, तो यह सीढ़ी ते चढ़ा के इसका संस्कार करांगे, फिर लोग परचावनी करन आउणगे तां यह ही टाट हेठां विछाया जाएगा। इस तरह की गल भाई भिखारी जी की सुन के उस सिख नूं यकीन ना आया ते वह आखण लगा कि हुण देख के जावांगा। तद अगले दिन ही विआह रचाया गया ते लड़का विआया गया ते रस्ते विच ही लड़के नूं सूल उपजिया
ते ओह उसे ही बीमारी नाल मर गया। इन्ना कुछ होने के बावजूद भाई भिखारी उस तरह की हालत में ही रहा जिस तरह पहला सी, जिस तरह की हालत उसके पुत्र दे होंदिया सी उस तरह ही हुण रहा, कोई भी गम या फिक्र नहीं किया। सो साह संगत जी, इस साखी का तात्पर्य यह है कि भगतों नूं भी भिखारी की तरह हर हालत विच खुशी ते प्रसन्नता ही रहिंदी है। सुनिया पोहे ना सकै काल, नानक भगतां सदा विगास। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।